हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इम्प्लॉयर पीएफ पोर्टल की सीरीज में हमने बहुत सारे पहले वीडियोस में अच्छी तरीके से समझ लिया है कि किस तरह से पीएफ में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, यानी पीएफ कोड लिया जाता है, किस तरह से चालान भरे जाते हैं और किस तरह से एक नए एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसका यूएन जनरेट होता है, किस तरह से मेंबर प्रोफाइल को अप्रूव किया जाता है, केवाईसी अप्रूव की जाती है, किस तरह से हम फॉर्म 5 अपलोड कर सकते हैं, फॉर्म 5 देख सकते हैं, कंपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी ऊपर आई बटन में दे दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप ये सारे वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा पीएफ और ईएसआई और बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते हैं, जहां से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज के इस वीडियो में हम और एम्प्लॉयर पोर्टल को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे और बहुत सारे ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है जिनकी हम हेल्प लग सकते हैं और अपने जो है एचआर और अपने पीएफ जो पोर्टल है उसकी मदद से अपने पीएफ जो भी एम्प्लॉयज है उनकी हेल्प कर सकते हैं और कंपनी को बेनिफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आ गए हैं ईपीएफओ की वेबसाइट पर। हम सिंपली एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉयर सेलेक्ट करने के बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हम नीचे सिंपली जाएंगे और ऑनलाइन ईसीआर चालान सबमिशन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने एम्प्लॉयर पीएफ पोर्टल का जो है इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर जैसा कि हमें पता है, हमें यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिए, अपने मिलने वालों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, यूजर आईडी डालकर हमने लॉगिन कर लिया है। इस तरह से हम हमारे एम्प्लॉय पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं और हम होम पर आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने ऑलरेडी मेंबर की ये सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एस्टैब्लिशमेंट में भी हमने व्यू प्रोफाइल, एग्जाम रिटर्न्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फॉर्म 5A, ब्रांचेस, डाउनलोड, यहाँ तक के जो है ऑप्शन हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिए हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं जो इस मैं हमें हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मॉडिफाई एस्टैब्लिशमेंट डिटेल, ये एक ऑप्शन है, इसके द्वारा हम क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वही हमारी कंपनी की डिटेल आ रही है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का नाम, सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सारी डिटेल पूरी अच्छी तरीके से हमारे सामने जो हमने स्टार्टिंग में फिल करी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम में, वो यहाँ पर आ रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखिए, ये सारे ऑप्शंस आप सेलेक्ट करके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और लाइसेंस, जो भी आपने को लाइसेंस मिला वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं और जो है आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए दोनों ओनली आपको पीडीएफ फॉर्म 5MB तक ही यहाँ पर सबमिट करनी है। अपडेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप अपनी कंपनी का जो भी एड्रेस अगर चेंज हुआ है तो वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस ऑप्शन के द्वारा आप अपनी कंपनी की डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एड्रेस ऑलरेडी है यहाँ पर, आप एड्रेस चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ये हमने देखा। अब ई इंस्पेक्शन नोटिस, ये देखिए दोस्तों, ई इंस्पेक्शन नोटिस के द्वारा हम देख सकते हैं कि दोस्तों, अगर पीएफ डिपार्टमेंट ने आपके खिलाफ कोई नोटिस जारी किया है, कोई इंस्पेक्शन या कोई क्वेरी है, तो वो यहाँ पर हमें शो होगी। और हमारे पास अगर कोई ऑडिट हुई है तो वो सारा जो भी डिटेल है वो यहाँ पर शो होता है। तो फिलहाल इस कंपनी का कोई ई नोटिस जारी नहीं हुआ तो ये नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, PMGKY बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन, ये एक पहले स्कीम निकली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिलहाल ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, द बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉर PMGKY स्कीम हैज बीन स्टॉप। जैसा कि हमें पता है, ये स्कीम फॉर टाइम बीइंग ही थी, अब ये बंद हो चुकी है, तो अब ये ऑप्शंस फिलहाल काम नहीं कर रहा है। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट वापस निकालती है तो ये ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर, अगर आपके किस फर्म के कोई कॉन्ट्रैक्टर, सब कोड आपने लिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर का, तो वो यहाँ पर फिल शो होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे जब रजिस्ट्रेशन टाइम में कोई कॉन्ट्रैक्टर हमने शो नहीं किए तो यहाँ पर नील दिखा रहा है। अगर किसी फर्म ने यहाँ पर किए होते तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल हमें पूरी तरह से दिखाई देती है और सब कोड के साथ में हमें दिखाई देती है, उनका भी हमें फिल करना होता है। अब यहाँ देखिए, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर,
क्योंकि ये कंपनी खुद ही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जिसका मैं एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रिंसिपल इज नॉट मैप फॉर एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी एक, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर का होता तब तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है मैप होता, तो ये वाइस वर्सा होता है दोस्तों। अगर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो कॉन्ट्रैक्टर को करता है और कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को जो है मैप्ड करता है, तो यहाँ पर चूंकि ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही है तो ये अपने लिए यहाँ पर जो है नील शो हो रहा है। देखिए दोस्तों ये क्लोजर डिक्लेरेशन, जी हाँ दोस्तों ऑलरेडी हमने इसके बारे में वीडियोस में बात की हुई है कि अगर किसी कारणवश किसी कंपनी का पीएफ कोड सरेंडर करने की नौबत आ गई है, कंपनी फर्म का जो काम है वो बंद होने जा रहा है और कोई मैन पावर अवेलेबल नहीं है, यानी सब कुछ बंद हो गया, कोई मैन पावर नहीं है, तो यहाँ से आप टेम्प्ररी या परमानेंट अपने पीएफ कोड को सरेंडर कर सकते हैं। टेम्प्ररी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप टेम्प्ररी बिंग यानी मिनिमम चालान 75 रुपीज भरकर आप मिनिमम कुछ टाइम पीरियड के लिए अपना पीएफ कोड चालू रख सकते हैं और मिनिमम चालान आपको भरना होगा। इसके सपोर्टिंग में आपको रीजन बताना होगा कि किस कारण से आपका जो है आप क्लोज करना चाह रहे हैं अपने पीएफ कोड को, और अगर आप परमानेंटली बंद करना चाह रहे हैं तो आपको परमानेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम परमानेंट ही अपने पीएफ कोड को सरेंडर करना जा रहे हैं। यहाँ पर क्लोजिंग डेट डाल देंगे, किस तरह डेट से आपका जो है क्लोज हो चुका है, जो भी आप काम करते थे, जो भी आपका बिजनेस था। अब यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं सरेंडर के सपोर्टिंग में। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें अपना एग्रीमेंट, पैन, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ सेटल, लाइसेंस जो भी है वो तो करना ही है। इसके अलावा हमें यहाँ पे देखिए सरेंडर से रिलेटेड, अगर जीएसटी सरेंडर किया है, आईटी रिटर्न नील भरा है वो, या फिर आपने लेवल लाइसेंस सरेंडर किया है, कुछ भी, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी आपके लिए लागू होता है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और वही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे, तो आपका जो है ऑनलाइन भी आप अपने पीएफ कोड को सरेंडर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों अब ये फैसिलिटी पीएफ डिपार्टमेंट ने दे दी, अगर किसी कारण से कोई फर्म इस सिचुएशन में आ गई कि पीएफ कोड सरेंडर करना है तो आप ऑनलाइन भी अब ये काम कर सकते हैं, आपको पीएफ लोकल ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग ऑप्शन अब पीएफ डिपार्टमेंट ने चालू कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों क्लोजर आप यहां से ही ऑनलाइन कर सकते हैं, टेम्प्रेरी या परमानेंट ये आपको चूज कर लेना है बहुत अच्छी तरीके, और सेव डिटेल पर क्लिक करके आप जो अपना क्लोजिंग जो है शो कर सकते हैं, फिर सबमिशन के लिए चला जाएगा, हो सकता है क्वेरी आए पीएफ डिपार्टमेंट से, उसका आप रिप्लाई करेंगे और फाइनली आपका कोड सरेंडर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से इंटरेस्टिंग जानकारी मिली होगी, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, अपने मिलने वालों के साथ में जरूर शेयर करिए। आगे आने वाले वीडियो में हम और जानेंगे इस एम्प्लॉय पोर्टल को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।